के नाम पर, राम के नाम पर हर घर में, जैसे आप एक भगवा झंडा देख रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम का, ऐसा कोई झंडा राजद ऑफिस के बाहर ना हमें दिखा, ना जदयू के बाहर दिखा। आप चादर उड़ाने जाइएगा लेकिन हमारे भगवा में आप शामिल नहीं होइएगा तो ये विरोध होगा। दरोगा पैदा होता है, स्कूल से वीडियो पैदा होता है, स्कूल से सिपाही पैदा होता है, स्कूल से इंजीनियर पैदा होता है। अभी 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 आप संस्कार उत्पन्न होता है। पहले चुप रहिए, पहले चुप रहिए। आप जो बोल रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना है उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ पन्ना को नौकरी मिलेगा। तो सुनिए पहले, जो ये हम पहले सुनिए, पहले सीताराम को पहले सुनिए, हम सीता को पहले। जो हनुमान मंदिर बना हुआ है ये 5-5 कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, तो हनुमान मंदिर से क्या हो रहा है? इसीलिए राम मंदिर का भी होगा, अभी तो बनवे किया है भैया, देखो तो अभी थोड़ा सा टाइम दो। हमको विश्वास है कि मंदिर रहेगा तो किसी को मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। आपके दिल में प्रभु श्री राम के स्वागत में जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक पोस्टर नहीं लगा पाए, वही बिहार की जनता प्रभु के स्वागत में देखिए आज झूम रही है। मेरे बिल्कुल ठीक सामने आप सबसे पहले महावीर मंदिर का नजारा देख लीजिए, लाखों भक्त जुट चुके हैं महावीर मंदिर के अंदर, बाहर भीड़ इतनी हो चुकी है कि आप कदम अंदर नहीं रख सकते। इधर देखिए ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और भक्त अंदर जाकर श्री राम के स्वागत में एक बार यहाँ जयकारा लगाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए तमाम भीड़ जुटी है, लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी मनोभावना इस वक्त क्या कह रही है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कहीं कोई पोस्टर लग रहा है आपको, नजर आ रहा है? उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर लगवाया, अच्छी बात है। नीतीश कुमार का कोई पोस्टर दिख रहा है आपको? नहीं नहीं तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका भैया? रवि प्रताप सिंह। राम लला के स्वागत में क्या कहना चाहेंगे? 550 साल के बाद हमारा हिंदू सनातन धर्म का जो स्थापना हुआ है, हम सभी कोई पॉलिटिक्स या कोई ये का बात नहीं करेंगे, सभी सनातन धर्म भाइयों को दिल से स्वागत। और हमारे योगी मोदी को और हमारा जो अन्याय था वो 550 साल बाद हम लोग को मिला है और इसके लिए अपने दिल से स्वागत करते हैं राम लला का। नीतीश अच्छा तेजस्वी तो स्वागत नहीं कर रहे हैं, कोई पोस्टर भी देखे नहीं लगा, नहीं उनको... करते तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, तहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत करे या ना करे वो उनकी पर्सनल मैटर है, बट राम भगवान सभी के हैं। कर रही है स्वागत तहे दिल से। आप देखिए इतना भीड़ लगा हुआ है और इसको आप क्या बोलेंगे? ये राम राज्य है, राम राज्य। आपको लग रहा है कि बीजेपी से पॉलिटिक्स कर रही है, क्या लग रहा है आपको ऐसा? पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, रहा राम भगवान का वो बात कीजिए। हाँ मतलब यहाँ पर राम सबके हैं, हम भी वही कह रहे हैं, जब राम सबके हैं तो स्वागत सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या क्या खुशी है इस वक्त दिल में आपके? बहुत बहुत खुशी है, राम हर दिल में है, हर आदमी के दिल में भगवान राम बसे हुए हैं, इसीलिए जय श्री राम। ये माहौल है बिहार का, ये माहौल है राजधानी पटना का। बाकी है मथुरा भी बाकी है, हाँ अयोध्या भी झांकी है, अभी फिर मथुरा भी बाकी। क्या बात है, देखिए यही जोश है बिहार के लोगों का। बिहार क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना है? हाँ कहना यह चाह रहे हैं कि आपने भी जो बोल गए कि ये पॉलिटिक्स भी हो सकता है, बीजेपी जो है रामलला राम मंदिर का, हाँ पूछ रहे हैं, तो हमको ये खुशी हो रही है कि बीजेपी जो है राम मंदिर का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ऐसा तो और भी होना चाहिए विरोधियों के बारे में, राम का सपोर्ट कम से कम पॉलिटिक्स के बहाने, वोट के लिए हमारा राम भगवान का मंदिर तो बन गया, इसी बहाने तो बन गया। हाँ तो कम से कम हमको ये खुशी है कि कम से कम मोदी और योगी जो है वो अपने वोट के लिए, अगर हर वोट पे अगर राम का नाम हो तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। क्या बात है, हर वोट पर राम का नाम हो तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। हर वोट पे राम का नाम होना चाहिए। एक बात बताइए, काम जो करेगा फल उसी को मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
अगर यदि मोदी अच्छा काम किया है तो फल उसी को मिलेगा, अगर यदि मोदी बुरा काम किया है तो मोदियों को फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, इसी पर बोलिए जय श्री राम। चाहे तेजस्वी हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो भी अच्छा कर सकते हैं, उनको भी नाम लिया। बिहार के लोग गर्दा उड़ा रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, कहते हर वोट पर श्री राम का नाम हो। अच्छा, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि 24 में चूंकि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, तो आप वोट नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जगह बीजेपी को देंगे, ऐसा तो नहीं ख्याल आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब राम सबके यही हम क्या बोले, हर दिल में, हर आदमी के दिल में नाम है। तो कोई लाने वाला है जी? वही ना, भाजपा वाला राम सबके है, मोदी जी लाए हैं। एक बात बताइए, इतना लोग जो जन अति हुआ है, हम लोग मधेपुरा से पूजा करने के लिए आए हैं, रात में होटल लेकर के रखे हैं, जूता चप्पल यही महावीर मंदिर था जब हम लोग आए थे, एक दिन तो आराम से पूजा 10 मिनट में कर करके निकल जाते थे, अभी 2 घंटा से लाइन में लगे हुए, फिर भी पूजा नहीं हो पाया। अब जा रहे हैं जूता चप्पल होटल में रखेंगे, फिर आएंगे पूजा करेंगे आराम से। ये सैलाब है राम, ये जो सैलाब है, तो ये सैलाब कहीं ना कहीं राम उस किसी को ना किसी को, हमको जगाया, आपको जगाया, उसको जगाया, सबको जगाया। उसी तरह मोदी इतना दिन से प्रधानमंत्री था, नहीं कर पाया, उस अचानक से 2023 में 2022 में उसको जगाया कि रे मेरा काम कब करोगे मोदी। अच्छा, तो मोदी जी को श्री राम ने ही कहीं ना कहीं बढ़ाया, कहीं ना कहीं। अच्छा, क्यों न, जब तक सद्बुद्धि दिमाग में नहीं आया तो वो किया क्यों, वो क्यों नहीं दारू का ठेका बनवाया? आपने मोदी को चुना इस काम के लिए, इस काम के लिए राम ने मोदी को चुना, तो अब काम करते करते 2024 आ गया तो मोदी क्या करेगा? मोदी की क्या अगर नहीं? अगर उतना अथी है तो हम कहते हैं चुनाव को आगे बढ़वा दीजिए। हाँ। ये तो सबके हाथ में है, लोग के हाथ में है। इंडिया अलायंस ऐसी बातें कर रहा है कि भाई उद्घाटन सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है। नहीं नहीं, कोई कोई बाप अपना श्राद्ध अपने जिंदगी में जीता जिंदगी कर लेता है, क्योंकि उसको डर होता है कि मेरा बेटा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए मोदी को डर है, हम तो बनवा दिया, उद्घाटन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझे? यही कारण मोदी अपने हाथों से कर रहा है, उसके बाद जाए जहाँ। ऐसा बात थोड़े है कि अभी प्रधानमंत्री है तो मोदी जिंदा है, नहीं रहे तो नहीं रहेगा। मोदी आएगा, आए या ना आवे, 2024 में मोदी आवे या ना आवे, राम मंदिर लाया, और राम मंदिर को जो लाया वो मोदी भी लाएगा। क्या बात है, लोग कह रहे हैं कि देखिए अगर अभी ये उद्घाटन नहीं होता तो हो सकता है आने वाली सरकारें या जो भी सत्ता में आते शायद वो मंदिर को बनवाते, नहीं बनवाते, मतलब ये काम अटका दिया जाता, तो राम का काम अटके नहीं, इसीलिए श्री राम ने मोदी को चुना है और जनता उनके नाम का गुणगान कर रही है। एक बात, अंतिम बात आप लोगों से कहेंगे, क्या बिहार के लोग श्री राम के नाम पर एकजुट है? देखिए एक मिनट, इसको सबसे पहले तो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और रही बात एकजुट का, ठीक है, विश्वास वोट जो है अपना अपना मत है, ठीक है, वोट की बात कही नहीं हमने, हम कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के नाम पर क्या बिहार के हर घर में दीप जलेगा? एक बात है, बिहार का लोग एकजुट नहीं था, बिहार का लोग कब एकजुट नहीं था, हर हमेशा एकजुट, जब भी चाहा आरजेडी सरकार एकजुट रहा है, जब जो चाहा किसी भी बिहार में अल्प मत मिला है, हिंदू हमेशा 4 दिन जो है एक मत रहा है, किसी भी कभी भी बिहार में फूट नहीं डाल सका। आरजेडी ने तो खैर रथ यात्रा रोकी थी, किसी की भी हो, चाहे आरजेडी की हो चाहे जदयू की हो, मन में राम है तो खुलकर क्यों नहीं कहते, राम का नाम लेने में राजनीति क्या? बात बताइए, अभी बिहार में जनकपुर में क्या बन रहा है, जनक कुंड बन रहा है, तो भगवान श्री राम या जो भी देवी देवता है, कुछ नीतीश कुमार को भी सद्बुद्धि दिया कि नहीं दिया? अच्छा। उसका जो जितना फल होगा उतना मिलेगा। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला, न्यास हुआ है राम जानकी मंदिर का, सॉरी हॉस्पिटल का, किस वजह से नहीं? ऐसे तो नरेंद्र मोदी ने एम्स बहुत बनवाए, आप जो खबर हमको दे रहे हैं उसकी जानकारी, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि राम के नाम पर हर घर में, जैसे आप एक भगवा झंडा देख रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम का, ऐसा कोई झंडा राजद ऑफिस के बाहर ना हमें दिखा, ना जदयू के बाहर दिखा, आप देखिए अभी ईद आज, अभी ईद अभी, अच्छा तो आप क्यों बाहर आ गए? ये अपने आप को सिर्फ सेकुलर कहते हैं, ये सेकुलर है नहीं, ठीक,
सो आप सेकुलर का मतलब क्या समझते हैं? सर्व धर्म के लिए बराबर करिएगा, आप चादर उड़ाने जाइएगा लेकिन हमारे भगवा में आप शामिल नहीं होइएगा, तो ये विरोध होगा, जरूर होगा। अभी आप आरजेडी ऑफिस का कोना कोना देख लीजिए, आपको प्रभु श्री राम का एक झंडा नहीं दिखेगा, क्यों? हमारी भी जब उत्सुकता हो तो उसमें भी आप शामिल होइए, तब हम मानेंगे कि आप सेकुलर हैं। अभी, तो आप सेकुलर नहीं है। देखिए ईद आएगी तो वहाँ पर टोपी लगा कर ईद मुबारक दिखता है कि नहीं दिखता? जय श्री राम से दिक्कत क्यों? सऊदी अरबिया का शेख यही लोग हैं सबसे ज्यादा टोपी लगाने वाले। मॉरिशस में छुट्टी की गई है, मॉरिशस में आज छुट्टी की गई है, विदेशों में राम का नाम गूंज रहा है, ठीक है, अपने बिहार में लोग राम का नाम लेने से शर्मा रहे हैं। ये सिर्फ भरमाने का समीकरण है, आम जानस से, बिहार के आम जानस से पूछिए, हमारी जन्म राम से होती है, हमारी मृत्यु राम से होती है, अंतिम यात्रा में हम राम तो जाते हैं, तो क्यों नहीं हम राम को सपोर्ट करेंगे? लालू तेजस्वी नीतीश कुमार, इन लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, इन लोग राजनीति एक मिनट में इसकी राजनीति खत्म कर सकते थे, ठीक, विकास में लगे हुए हैं, रोजगार क्या विकास करेंगे, क्या विकास करेंगे? आप जाइए राम मंदिर से कितने कितने राम मंदिर काम नहीं कर रहा है, कितने राम मंदिर से कितने हॉस्पिटल बन जाएंगे वहाँ, जो राम मंदिर से बहुत कुछ हो सकता है, राम मंदिर से बहुत कुछ हो सकता है, उसके आसपास इतना रोजगार उत्पन्न होगा जिसके बारे में आगे घूमती फिरती है अर्थव्यवस्था जो है कौन देगा वो रोजगार? 20 पन्ना को काम। आप जाइए राजगीर में, आप जाइए राजगीर में, आप जाइए बाबा धाम में, आप जाइए उत्तराखंड में, हर एक आदमी को रोजगार मिलेगा। हॉस्पिटल सुनिए, पूरे 2014 से लेकर के 2024 तक सुनिए कितना एम्स खुला है, कितना हॉस्पिटल खुला है, आंकड़ा देखें आप। स्कूल से दरोगा पैदा होता है, स्कूल से वीडियो पैदा होता है, स्कूल से सिपाही पैदा होता है, स्कूल से इंजीनियर पैदा होता है। अभी 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 आप संस्कार उत्पन्न होता है, पहले चुप रहिए, पहले चुप रहिए। आप जो बोल रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना है उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ पन्ना को नौकरी मिलेगा, तो सुनिए पहले, जो ये पहले सुनिए, पहले सीताराम हम सीता को पहले, जो हनुमान मंदिर बना हुआ है ये 5-5 कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, तो हनुमान मंदिर से क्या हो रहा है? ये जो हनुमान मंदिर 5-5 कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, हनुमान मंदिर है ना, इसमें कोई दान देता है तो क्या पक्ष रख करके देता है कि मेरे दान का मिस यूज होगा? नहीं, देख रहा है कि मेरे दान का जो है मिस यूज नहीं, सही यूज होगा, इसीलिए राम मंदिर का भी होगा। अभी तो बनवे किया है भैया, देखो तो अभी थोड़ा सा टाइम दो, हमको विश्वास है कि मंदिर रहेगा, तो किसी को मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, उसी तरह तुम तो बिहार में इतना अच्छा तेजस्वी नीतीश कुमार ने काम किया, तो लालू यादव जी अपनी किडनी का इलाज करवाने अमेरिका क्यों गए, लंदन क्यों गए, पटना बिहार में क्यों नहीं इलाज करवाया? सिर्फ मिलेगा रोजगार चादर चढ़ाने से, नरेंद्र मोदी सिर्फ लाखों में रोजगार दे रहा है, पहले वो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, मंदिर खत्म कर देगा आपकी पूरी रोजगार, एक मंदिर खत्म कर देगा। नरेंद्र मोदी मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल बनाने का भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं एम्स का हॉस्पिटल बनवाया है नरेंद्र मोदी जी। आपने आप जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसको संभाल के तो देखिए, संभालिए, वहाँ राम भरोसे हॉस्पिटल चलता है। अब आप नई हॉस्पिटल की बात करते हैं, जो हॉस्पिटल है उसको संभाल लीजिए पहले, बढ़िया से चला लीजिए। राम तो सबको, राम को कोई लाने वाला नहीं है, राम को कोई लाने वाला नहीं है, लेकिन जो राम परसों पहले तंबू में रहते थे उनका घर बनवाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, ये बात इन्होंने बहुत जोरदार कही कि देखिए राम को लाने वाला तो कोई नहीं, लेकिन तंबू में लेकिन जो थे, लेकिन तंबू में जो राम थे उन, देखिए राम को जो तंबू से महल में लेकर आए वो कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी और योगी है। और देखिए बिहार के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरह से राम के नाम पर एक बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, बिहार की जनता को अब आक्रोश हो रही है, लोगों को भी मालूम है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
एक बार जोर से आप लोग बताइए क्या है आपके दिल में। बिहार के लोग बोले बस एक ही नाम, बिहार के लोग बोले बस एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। आप भी अपने आस्था व्यक्त कीजिए, कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।